राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बीच ही राजधानी जयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। बीती रात VKI रोड के ध्वजनगर में बेसमेंट में पानी भर जाने से दो परिवार के तीन लोग बेसमेंट में ही फंस गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुबह पुलिस और NDRF की टीमें बचाव अभियान के लिए पहुंची। अभी सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह VKI इलाके में कहीं बेसमेंट में बने इलाके में लोग नीचे, एक महिला और एक उसकी भांजी और एक व्यक्ति जो है उसके फंसे होने की सूचना मिली। नीचे बेसमेंट में जो उनके रहने की जगह थी उसमें जब अपना सामान बाहर निकाल रहे थे तो उसी क्रम में पीछे की दीवार टूट गई। उसमें पानी का फ्लो इतना बढ़ा कि वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हम उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो SDRF से और जो पानी के लिए प्रशासन की टीम लगी हुई उनसे जो बात हुई, लगभग एक डेढ़ घंटे का समय और लगेगा क्योंकि पानी को काफ़ी दूर तक निकाला जा रहा है, तो जल्दी रिकवर करने का प्रयास करें। क्योंकि अभी जो अंदर की जगह है वो भी काफ़ी असुरक्षित प्रतीत हो रही है, ये जो बिल्डिंग है इसका ये भी कमज़ोर टाइप की प्रतीत हो रही है, तो हम एक बार पानी निकल जाए उसके बाद में पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ में SDRF की टीम को अंदर भेजा जाएगा। आज सुबह हमारे को सूचना मिली और उसके बाद हम लोग आए। यहाँ पर करीब 20 फीट पानी भरा हुआ था और अभी इसके अंदर रेस्क्यू जारी है और पानी का निकास किया जा रहा है। सबसे पहले पानी का निकास के बाद में अभी हम लोग एक स्ट्रेटजी तैयार की कि अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के जो बेसमेंट ढेरा है उसको शॉर करके और उसके बाद रेस्क्यू स्टार्ट करेंगे। कितने लोग अंदर फंसे हुए? तीन लोगों के फंसे हुए हमारे परिवार वालों ने जो बताया कि दो बच्चियाँ हैं जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची है, एक 19 साल की बच्ची है और एक पड़ोस वाले मकान में एक 23 साल का एक युवक है। दो मकानों का पानी है सर, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बेसमेंट में फंसे तीन लोगों में एक छोटी बच्ची समेत एक युवक और एक युवती शामिल हैं। बचाव का इंतजार कर रहे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बेसमेंट में पानी भर जाने के दौरान बच निकले बाकी लोगों ने रात को घटित हुई पूरी घटना की आपबीती सुनाई। हम लोग सोए थे, बारिश आता है ना, अब पीछे से कैसे टूट गया दीवार हम लोग को पता नहीं। उसमें हम लोग नहीं सोते, किराए से रहते हैं। अब अचानक आया, मैं दो छोरा छोरी को लेके दाब के भाग गई। बड़े बड़े ये थी मेरी बहन, उसको हाथ पकड़ के वो जगी थी, उसको लेके भाग रही थी। अचानक से पूरा दीवार इन लोग के ऊपर आ गया, वो छूट के उसी में चल गई। करेंट भी लग गया, इसका करेंट लगा था पैर में, ये निकल गई। ये और मेरा एक मौसी का लड़का, वो अभी दोनों साथ में निकल गए उसमें से। अभी तो हमारे दो, एक मौसी का लड़की और एक मेरी लड़की पूजा, 19 वर्ष के है, 3 साल की है अभी, 3 साल की पूर्वी। अभी स्कूल में नाम लिखवाए थे उसका। तीन लोग है, आप 5 जाने थे अंदर, तो सामने वाले रूम में थे और पीछे वाला नुआ पानी भरा हुआ है उस रूम का, तो नुआ अचक्के पे पानी धार मारा और दीवार टूट गया, तो वो धार मारते हुए नुआ इधर बाहर फेंक दिया और फिर जगह पड़ोसी का दीवार टूट गया तो पड़ोसी के तरफ चले गए दो लोग और हम तीन लोग बच गए। और ये मैं चोट लगी है, मेरे को चोट वोट लग गई, मेरा भाई था वहाँ पर खड़ा, मेरा भाई घेच के बाहर निकाल लिया, बचा लिया और दो लोग फंस गए अंदर। क्या करते हो आप लोग, किराए से? मैं खुद का परोठा, खुद का परोठे। आपका एक लड़का है, कितने उम्र का है जो अंदर फंसा हुआ है? वो मेरा लड़का नहीं, मेरा दोस्त का लड़का है, बहन है, 19 साल की है, 19 साल की बहन है, मैं सिस्टर है और एक मैं भगनी है 5 साल की। 19 साल की सिस्टर आपकी बच्ची है? एक भगनी 5 साल की, 5 साल की एक लड़की, 3 साल की एक लड़की है, 3 साल की लड़की है पूर्वी जो पूर्वी। आपके तो मकान है ना? हाँ। आपके रिलेटिव कौन फंसा हुआ है? तो मेरे बहन फंसी है और एक मेरे बहन है, भगनी है, भगनी है जो 3 साल की, इनकी लड़की है, इनकी लड़की फंसी है, इनकी लड़की।